हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पिजन फार्म हरियाणा में। होप सो भाई सभी दोस्तों के कबूतर हेल्दी होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भाई भाई दोस्तों, कबूतर तो उड़ाने का टाइम नहीं चल रहा। अब एक्चुअली है ना, बारिश होने लग रही है सारी जगह पर, सभी जगह पर जो है भाई बारिश चली हुई है। तो भाई दोस्तों, अब बाजी वगैरह का तो टाइम है नहीं, कुछ भाई पूछते हैं नुकते के बारे में तो कुछ। तो दोस्तों, अब तो आप कबूतर उड़ाओगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, बारिश आने लग रही है। अगर आप अपने उड़ने वाले कबूतर को घर पर भी टाइम लोगे तो भी नुकसान ही है आपका। आप उड़ाएंगे, बारिश आएगी तो कबूतर ख़राब हो जाएगा। उड़ने वाले कबूतर को अगर 4-5 घंटे उड़े, बारिश लगी तो समझ लो उसकी उड़ान खत्म है, उड़ेगा नहीं कबूतर, ठीक है। जो पुराने कबूतरबाज भाई है वो तो उड़ा लेंगे, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, अच्छी नॉलेज है कबूतरों के बारे में। लेकिन जो भाई नए कबूतरबाज है, अगर वो कबूतर उड़ा रहे हैं, आपका कबूतर 4-5 घंटे उड़ रहा है, अगर उसको बारिश लगी गर्म होने के बाद एकदम ठंडा होगा कबूतर, समझ लो वो लास्ट उड़ान होगी उसकी भाई, ठीक है। उसके बाद नहीं कबूतर उड़ेगा, बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो सभी दोस्तों ये रिक्वेस्ट है भाई, अभी बारिश का मौसम है, सारी जगह पे बारिश, अपने कबूतरों को न उड़े। तो भाई दोस्तों, आ जाना सभी दोस्तों, मैं एक दवाई के बारे में बताऊंगा भाई, जिससे आपके कबूतर भाई बीमार नहीं होंगे और आपके कबूतर भाई अच्छे तंदुरुस्त और हेल्दी रहेंगे भाई, ठीक है। तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ वो दवाई कैसे आपने यूज करनी है कबूतरों को, और कैसे कबूतरों को आपने पानी पिलाना है, ठीक है भाई दोस्तों। ये भाई कबूतरों का कुंदा है, पानी डालते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये भाई आप इसमें देख रहे हो ना भाई, ये हल्दी है भाई, हल्दी की गांठ है ये, ठीक है, अंबा हल्दी बोलते हैं ना भाई उसको। ये डाल के रखता हूँ भाई मैं पानी के अंदर, ठीक है। अब ये पानी के अंदर डाल रखी थी मैंने, तो इसको भाई जैसे 2-4 दिन डालने के बाद है ना, ये मुलायम हो जाती है, ठीक है। और अब हम जब कबूतरों को पानी रखते हैं तो इसको ऐसे घिस देते हैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा, और भाई ये पीला हो जाता है। इससे आपके कबूतरों में ना दोस्तों बीमारी नहीं आती कोई भी भाई, ठीक है। ये देखो पीला पानी हो गया भाई, ये हल्दी की गांठ है ना भाई, कबूतरों के पानी में जो है हर टाइम रखता हूँ मैं, इससे कबूतरों में भाई बीमारी नहीं आएगी जल्दी से। और कबूतर है ना भाई, कबूतरों का हजमा भी बहुत अच्छा रहेगा, कबूतर आपके तंदुरुस्त रहेंगे दोस्तों, और बीमारी से हट के रहेंगे भाई, ठीक है। आपको भाई ये हल्दी की गांठ है ना नॉर्मल मिल जाएगी, 10-20 रुपये की ले आना, ठीक है। और एक गांठ है ना परमानेंट कबूतरों के कुंदे में डाल के रखना, जैसे मैं डाल के रखता हूँ, यही पानी पिलाता हूँ भाई कबूतरों को मैं, कबूतरों का हजमा बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और कबूतर भाई जो उड़ने वाले होते हैं वो हल्के होने लग जाते हैं भाई, ठीक है। हल्दी क्या ना भाई, ये जो हल्दी होती है इसके बहुत कई फायदे होते हैं, कबूतर के हाजमे में फिट रहता है, कबूतर को खोलने का काम करता है भाई ये। तो भाई मैं कबूतरों को अपने को यही पानी पिलाता हूँ दोस्तों। और भाई दोस्तों, मैं एक दवाई के बारे में और बताऊँ वैसे भी दोस्तों ना भाई, आज जो भाई कबूतरों को कीड़े वगैरह निकालने के लिए यूज होती है दोस्तों, ठीक है। तो भाई बहुत सारे भाई है जो ड्रोनटोल प्लस यूज करते हैं भाई, जिनको ज्ञान है, बड़े कबूतरबाज है भाई, वो ड्रोनटोल प्लस यूज करते हैं। कुछ भाई हाईटेक यूज करते हैं कबूतरों को कीड़े निकालने के लिए। एक भाई एक दवाई और होती है भाई, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, वो भी यूज करते हैं कुछ भाई कबूतरों का अंदर से सफाई वगैरह के लिए निकालने के लिए भाई। लेकिन कुछ चीज़ जो है ना भाई, साइड इफेक्ट होते हैं इनके। अगर आप भाई बेमौसम में कबूतरों को कीड़े लगाने की दवाई लगाओगे कीड़े निकालने की, तो भाई कबूतर पर वगैरह डाल जाता है, पर घेर देता है उड़ने वाले कबूतर, ठीक है। तो मैं आप सभी दोस्तों का आज एक दवाई बताता हूँ भाई, जो भाई न तो पर घेरेगा भाई कोई कबूतर, और आप किसी मौसम में भी भाई दवाई को दे सकते हो, ठीक है। और कबूतर के कीड़े होते हैं ना भाई, जो उनको अंदर ही मार देती है दवाई, बहुत ही अच्छी दवाई है भाई दोस्तों। तो भाई ये दवाई है भाई, बैंड काइंड प्लस, ठीक है भाई। नाम साफ नहीं आ रहा, मैं नाम साफ दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई बैंड काइंड प्लस, ठीक है। ये दवाई लेके आए भाई दोस्तों, आपने पशुओं के मेडिकल स्टोर पर मिलेगी भाई ये, ठीक है भाई, बैंड काइंड प्लस लेके आनी है। इससे है ना भाई, आप इसको कबूतरों को ना किसी भी टाइम लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है, गर्मी सर्दी किसी भी टाइम, ठीक है। लेकिन सिर्फ है ना अपना इसके डोज का हिसाब रखना है थोड़ा सा। देखो ड्रोनटोल प्लस लगाते हो आपने, उसके अंदर भाई मीठा वगैरह भी डालना पड़ता है कुछ ना कुछ, ठीक है। वो दवाई बहुत ही कड़वी होती है भाई, और वो उसका हिसाब इतनी जल्दी भी नहीं आता दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, जैसे ये पानी है भाई डोंगा, इस डोंगे के अंदर आपने सिर्फ 4 बूंद डालनी है ये, ठीक है, 4 बूंद डालनी है और कबूतरों को पानी पिला देना। कबूतरों के कीड़े भाई अंदर ही मर जाएंगे दोस्तों, ठीक है, मर के बाहर आएंगे,
ठीक है, जिंदे तो बाहर भी नहीं आएंगे, सभी कीड़े वगैरह जो कबूतरों के अंदर ही मर जाएंगे दोस्तों। और सबसे अच्छी बात ये, इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके कबूतर हेल्थी है, अच्छे तंदुरुस्त है, जैसे है ना ऐसे ही रहेंगे, कबूतर सुनो होगा नहीं बैठेगा। जैसे ड्रोन ड्रोल प्लस देने के बाद कबूतर की 2-4 दिन देखभाल करनी होती है, ये दवाई देने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, ठीक है, बस देखभाल यही है, आपने पानी में 4 बूंद डालनी है अच्छे से बस, ठीक है दोस्तों। होप सो भाई सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी, जो भाई चैनल पर पहली बार आते हैं ना भाई, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई, और आसपास अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो भाई, ठीक है भाई। ये नाम देख लो भाई, बैंड काइंड प्लस है दवाई का नाम दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों भाई नेक्स्ट वीडियो में। All right.